वीकेंड में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन वीएचपी के प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं, विनोद बंसल जी। सबसे पहले मैं उनकी तरफ रुख करेंगे, उसके बाद फिर मैं कांग्रेस और देन बीजेपी। जी प्रतीक जी, देखिए दो बातें मुझे कहनी है कि एक तो ये जो बयान जो आया है बड़ा कैलकुलेटेड बयान है, ऐसे समय पर आया जब श्रीराम जन्मभूमि के लिए जो निधि संग्रह अभियान है पूरा देशव्यापी शुरू होने वाला है 15 तारीख से, और उस अभियान से पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महामंत्री माननीय चंपत राय जी कल सुबह 10 बजे वीएचपी के सारे सोशल मीडिया अकाउंट से एड्रेस करने वाले हैं। आप देखिए कि ये जो ऐसे मौके पर इन्होंने जो बयान दिया है, माता सीता को जो अपमान किया है, जहां पूरा देश राम में होने वाला है, जहां पूरा देश रामत्व की विचार के लिए आगे बढ़ने वाला है, जहां रामराज्य की संकल्पना आगे बढ़ रही है, वहां पर ममता जी की जो ममता है वो रामद्रोह की तरफ जा रही है, मेरी समझ में नहीं आता। एक बात, दूसरी बात ये देखिए, माता सीता के बारे में अगर कोई ममता इस बात को कहे तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि ये तो या तो ममता नहीं है या इनका माँ के साथ कोई संबंध नहीं है। माँ जो कि जैसे आपने स्वयं कहा कि बंगाल माँ के लिए जानी जाती है, माता की पूजा के लिए जानी जाती है, ममता के लिए जानी जाती है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि ममता के राज्य में माँ का अपमान हो जाए और देश चुपचाप सुनता रहे, और उनके नेता ये कहें अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो। मैं कहता हूँ अगर मगर की आवश्यकता क्या है, मैं गलती हो गई माफी मांग लीजिए, उन नेता को भी माफी मांगनी चाहिए और उनके नेता के जो जो ममता जी हैं उनको भी माफी मांगनी चाहिए। अगर नहीं माफी मांगती कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा निश्चित रूप से। देखिए हिंदू समाज हर बात का बदला लेता है। और बात अंत में मैं एक बात कह दूं, देखिए आपके सुधी दर्शकों को स्मरण है अच्छी तरह से कि जिसने भी राम को नकारा वो गया, जिसने राम सेतु को नकारा वो गया, जिसने भी बाबा अमरनाथ की यात्रा को ललकारा वो गया, जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई वो गया, और जिसने माता सीता का अपमान किया उसका क्या असर होने वाला है ये बंगाल की जनता भी अच्छी तरह जानती है, देश की जनता भी जानती है। मैंने नाम आपने ऐसे लिया था, लेकिन रिजू से क्लेरिफिकेशन, रिजू दत्ता माफी की बात वीएसपी कह रही है। देखिए मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि हमारे बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में वो एकमात्र औरत है जो सीएम है आज के डेट में इस देश में, और हमारा एकमात्र पार्टी। एक सेकेंड यार, इतना बात क्यों करते हैं, एक सेकेंड रुकिए ना, बात तो करना, आपका बात तो हमने सुना के नहीं मांगोगे। ठीक है, देखिए प्रतीक जी, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, माता का हम माता को कैसे सम्मान करते हैं, ठीक है, हम अपना माता का सम्मान करना जानते हैं, और आपको जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते, आपको जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते, वीएचपी को जवाब देने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। तृणमूल कांग्रेस जानती है माँ को कैसे सम्मान किया जाता है, सीता माँ हमारी, आपकी जितनी माँ है ना उतनी हमारी भी माँ है, ठीक है, सीता मैया जितनी आपकी मम्मी है वो हमारी भी मम्मी है, ठीक है, उनको हम माता जैसा ही पूछते हैं, सबको पूछते हैं, और वीएचपी को भाषण वीएचपी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते, हमारा हमारा पूजन हमारे पास है, हमारा धर्म हमारे पास है, हमारे माता हमारे पास है, बंगाल जैसा प्रदेश जो कि हमारे माँ का सम्मान हमारे जी 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 सुन ले हमारे धर्म हमारे पास है, ऐसे तरह से धर्म हम फॉलो नहीं करेंगे। आप लोग जो धर्म के नाम पे आप आतंकवाद चला रहे हो आप चलाइए, हम अपना धर्म अपने तरह से करेंगे, ठीक है, आप तो भाषण आपको जवाब देने के लिए हम लोग नहीं बैठे, कौन होते हैं जो हम आपको जवाब दें, आप कोई नहीं होते जो आपको हमें जवाब देना है, राइट, ठीक है जी। संदीपा हाँ जी, एक्चुअली यहाँ पे जो चल रही है ना बीजेपी और टीएमसी की, ये देख के मुझे एक टर्म याद आ रहा है कि दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती। हाँ, क्योंकि इसलिए मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी सारे इश्यूज हो रहे हैं, खास करके जो चिटफंड की इशू है या फिर नारदा शारदा का जो इशू है, उसको लेके ना बीजेपी ना तृणमूल कोई भी कुछ बात नहीं करे। खैर छोड़ो, तृणमूल की बात तो छोड़ ही दो, तृणमूल क्यों करेंगे बात, क्योंकि तृणमूल के जो नेता है वही ये सारे कांड किए थे और बीजेपी में ये लोग अभी जा रहे हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ दिल्ली में दोस्ती, क्योंकि पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री जो एथिक्स कमिटी है उसका चेयरमैन है हमारी आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी। आज 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, वहां पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया पार्लियामेंट में इसके लिए। एथिक्स कमेटी तो है, अगर हमारी कोई एमपी कोई भी अगर कोई कुछ मतलब घिनौना काम करे, कोई क्राइम एक्ट में फंस जाए या फिर कुछ भी करे, क्रिमिनल एक्ट करे, तो एथिक्स कमेटी में उसको लेके बैठते हैं सभी लोग। आज तक
तक जो नारदा सारदा जो चिट फंड की जो कांड हुई है, खास करके नारदा जिसका वीडियो फुटेज बीजेपी की ही बंगाल बीजेपी की ही यूट्यूब पेज मतलब यूट्यूब पेज में था, वो उसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस रस्ते पे उतर रहे कि भाई आप लोग जो जो लोग आप तो जानते हैं बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, वहां पर कोई भी क्रिमिनल जाता है धुल के साधु बन जाता है, ये तो आपको पता ही है बीजेपी वॉशिंग मशीन। तो आपको ये तो मैं आपकी सहमति कर रहा हूँ, मैं तो आपसे सहमत कर रहा हूँ, मैं तो सहमत हो रहा हूँ। 1998 में आपको पता नहीं था जब आप लोग एनडीए में शामिल हुए थे तब आपको पता नहीं था बीजेपी वॉशिंग मशीन है। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका आइडियोलॉजी और आज की बीजेपी का जमीन आसमान का फर्क है मैडम, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज का बीजेपी और अटल जी का बीजेपी में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है मैडम। आप एक चैनल में चिल्लाने से क्या होगा, आपके सभापति कहाँ है, नेशनल सभापति उनको बुलाइए ना, आप अकेला ऐसे रणनीति लेने से क्या फायदा है। देखिए बीजेपी तो अपना सारा आर्मी लेके आ गए हैं, आपके इज्जत से बात कीजिए, इज्जत से बोल रहा हूँ, लिहाज रखिए, इज्जत से ही बोल रहा हूँ कि आप अकेली जो इतना फाइट कर रही हैं तो आपके पार्टी के प्रमुख कहाँ है, मैं तो इज्जत से ही बोल रहा हूँ मैडम। आपको प्रवक्ता का हिसाब से आई हूँ यहाँ पे, मैं राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता के हिसाब से आई हूँ, चैनल के प्रवक्ता के हिसाब से आए हैं, पर ग्रासरूट की बात कीजिए, रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है, मैं तो वही बोल रहा हूँ। आप चैनल पे प्रवक्ता, आई रिस्पेक्ट दैट, ग्रासरूट में वेर इज योर लीडरशिप टू फाइट दीज थिंग्स दैट यू आर सेइंग ऑन द चैनल, मैं वही बोल रहा हूँ मैडम, ग्रासरूट पे कांग्रेस का क्या अस्तित्व है। आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट टू लर्न एथिक्स एंड टू लर्न हाउ टू डू पॉलिटिक्स फ्रॉम यू। अरे जितने चैनल से उनको एक बार पूछ लीजिए कि कांग्रेस का लास्ट रैली, कांग्रेस का लास्ट सभा बंगाल में कब हुआ था, पूछ लीजिए ना, चैनल के होस्ट से ही पूछ लीजिए कि एक भी विजुअल है जहां पर कांग्रेस ने रैली किया है, एक सभा किया है। मैडम मैं एक चीज कंफ्यूज हूँ कि कांग्रेस के दुश्मन कौन है, कांग्रेस के दुश्मन हम टीएमसी है, कांग्रेस के दुश्मन बीजेपी है, कांग्रेस के दुश्मन सीपीएम है, कि कांग्रेस के दुश्मन खुद राहुल जी है, कांग्रेस के दुश्मन कौन है, यही मुझे समझ में नहीं आता। वो सब है, सारे वो सब है जो, और ये डिबेट प्रतीक जी आपने बुलाया एक दूसरे टॉपिक पे, यहाँ वही जा रहा हूँ नलिन जी, नलिन जी, नलिन जी, मुझे एक चीज तो मालूम है, मुझे एक